Hello guys, welcome to InfoTuber and this is Vivek Singh and I'm back with another video. So aaj ka video hai sexual harassment against women at workplaces. To ye video kya hai ki jo aurte kaam karti hain unke workplaces mein, unke kaam karne ki jagah pe jab unke sath sexual tarike ki badsalooki ya badtameezi hoti hai jo unki khud ke consent ke khilaf ho, jahan unhone manzoori na di ho aur unke sath koi sexual harkat hoti hai, to uske khilaf unke kya haq ho sakte hain, kya rights hain, wo kya steps le sakti hain uske khilaf, ye is video mein maine dala hai. To generally कैसा होता है कि एक लीगल टॉपिक पर कोई भी वीडियो, ऐसे छोटे वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन डालने, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल. तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपकी एक्चुअल ज़रूरत की कंटेंट ही डालूं, शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट, दैट्स व्हाट आई थिंक. और ये वीडियो भी ऐसा ही है, जो जितने भी ज़रूरी पॉइंट्स है उतने ही मैंने इसमें डाले हैं. कोई भी यहाँ वहाँ से बेमतलब के कंटेंट नहीं डालें कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएँ. तो यही मैं कहूँगा कि आगे बढ़ते हैं, अब बाकी देखते हैं कैसा वीडियो जाता है. बाकी आप अगर इसे लाइक करते हैं तो प्लीज़ इन द एंड ऑफ द वीडियो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस देखने के लिए, और प्लीज़ शेयर भी करें अगर आपको इस नॉलेज को आगे बढ़ानी है. तो पहले देखते हैं व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट. सो द एक्ट ऑफ पासिंग सेक्सुअल कॉमेंट्स, फोर्सिंग टू वॉच इलिसिट और पोर्नोग्राफिक कॉन्टेंट, to touch indecently and ask for sexual favors from one person to other, which is generally a female, is known as sexual harassment. हिंदी में इसका मतलब क्या होगा कि जब कोई मतलब एक इंसान दूसरी इंसान है, खासकर एक आदमी किसी औरत को लेकर कोई सेक्सुअल कमेंट्स पास करता है, सेक्सुअल कॉम्प्लीमेंट्स पास करता है, या उसे बुरी गंदी वीडियोस या पोर्नोग्राफिक वीडियोस, पोर्न वीडियोस या ब्लू मूवीज, ब्लू फिल्म्स देखने के लिए फोर्स करता है कि और उसकी मंजूरी के ख़िलाफ़ ऐसा काम करता है, या उसे गलत जगहों पर गलत तरीके से टच करता है उसकी मर्ज़ी के बिना, और या उसे उससे कोई सेक्सुअल फेवर की डिमांड करता है, जैसे उससे ऐसे कुछ काम डिमांड करने जो पर्सनल लेवल पे हो, जो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन से थोड़ा हट के हो, थोड़ा अलग हो, ऑब्वियसली गंदा हो रिमार्क में, बट सेक्सुअल फेवर्स पूछना कि मेरे लिए ऐसा कुछ कर दो या ऐसा कर दो, और ये सारे जो भी क्वेश्चंस हो या डिमांड्स हो वो काम से रिलेटेड ना हो, सेक्सुअल तरीके के हों, जो औरत की मॉडेस्टी या उसकी इज्जत के खिलाफ थोड़ा काम करे, वैसे टाइप के कमेंट्स या वैसे टाइप के फेवर्स, ये सारी चीज़ें सेक्सुअल हरासमेंट में एक साथ इंक्लूड होती हैं. तो और जनरली सेक्सुअल हरासमेंट फीमेल्स के खिलाफ ही होता है, हम भी जानते हैं. तो ये पूरा एक उसके ऊपर एक एक्ट भी है, मैं धीरे धीरे वीडियो में बताऊँगा. तो व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने ऊपर बताई आपको, यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, ये जब एक वर्क प्लेस में होती हैं, काम की जगह पर होती हैं किसी औरत के साथ, उसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कहा जाता है. तो वर्क प्लेस क्या हो सकता है, वर्क प्लेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कंपनी, ऑफिस, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी जगह जहां औरत काम करती है, कोई भी काम करता है और उसे उसके लिए सैलरी मिलती है, पगार मिलती है, पैसा मिलता है, उस जगह को एक काम के रिलेशन से देखा जाता है और उसे एक कंपनी या ऑफिस या बिजनेस का नाम दे दिया जाता है. तो ये सारी चीज़ें वर्क प्लेस के नाम पर काउंट की जा सकती हैं. सो इनके लॉस क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ लॉस क्या बने हैं वो मैं आपको बता दूं. तो एक्चुअली एक लीडिंग केस है जो हम लॉ स्टूडेंट्स को बहुत पढ़ाया जाता है, ये हमारे दिमाग में बैठ चुका है, हमने इतना पढ़ लिया है इस केस को. तो ये लीडिंग केस है विशाखा एंड अदर्स, ORS लॉ की लैंग्वेज में मतलब अदर्स होता है, वर्सेज द स्टेट ऑफ राजस्थान. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी इस केस पे, जो आगे जाके एक लॉ बन गया, उसके आधार पर पूरा एक लॉ बना. तो एक्चुअली कैसा था कि एक टाइम के पहले, जैसे आप 10-15 साल पकड़ लें, उसके पहले औरतों के लिए इतने सारे लॉज नहीं थे. जैसे वर्क प्लेस में कुछ हो जाए तो उनको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती थी, पहले एविडेंस दिखाएँ, पुलिस के पास जाएँ, अपने सारे भी एविडेंस शो करें, कोर्ट में प्रॉपरली जाएँ, हर जगह प्रूव करें कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ था. और कभी कभी तो गलत करने वाला इतना चालाक होता है कि इस तरीके से गलत करता है कि औरत उसे समझा नहीं पाती या खुलकर बता नहीं सकती जब तक अपनी बेइज्जती खुद ना करा ले. तो
ये एक गैंग रेप केस के ऊपर था जहाँ पे एक औरत के साथ कुछ अपर कास्ट के लोगों ने गैंग रेप किया था और बाद में उसे और भी तकलीफें उठानी पड़ी मेडिकल अथॉरिटीज़ के पास जाकर और पुलिस अथॉरिटीज़ के पास जाकर। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी गाइडलाइंस बना दी, विच फॉर्म्ड अ पार्ट इन द लेटर इनैक्टेड एक्ट द सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। 2013 में वो एक्ट बना। अ पीडीएफ वर्जन विथ द फुल नेम ऑफ दिस एक्ट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल। मैं आपको बता दूं कि एक पीडीएफ वर्जन इसका आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, बस आपको इस एक्ट का पूरा नाम इसके ईयर के साथ डालना है और आगे पीडीएफ लिख देना, आपको एक पीडीएफ वर्जन मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो जानने के लिए और डिटेल में कि क्या हक होते हैं, जो मैं इस वीडियो में ऑब्वियसली डाल नहीं सकता सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ वर्क प्लेस और अ एम्प्लॉयर ऑफ दैट वर्क प्लेस? एक वर्क प्लेस में एक डायरेक्टर या एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी बनती है सेक्सुअल हरासमेंट को कम से कम लेवल तक या ना के बराबर रखने के लिए, इसे अवॉइड करने के लिए? सो द एम्प्लॉयर ऑफ दैट वर्क प्लेस शुड पुट अप नोटिस और गाइडलाइंस विच इज़ इन ए पब्लिकली विजिबल मैनर। द नोटिस और एक्नॉलेजमेंट मेंशनिंग जीरो टॉलरेंस फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एंड डूज एंड डोंट्स फॉर द एम्प्लॉयज रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट विद द प्रोफेशनल एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस दैट दे विल फेस। मतलब कि एक एम्प्लॉयर अपने वर्क प्लेस पे, कंपनी पे, बिजनेस में, कहीं भी एक खुली जगह पर या कहीं भी अप्रोप्रिएट जगह पर जो लोगों को पब्लिकली विजिबल हो, वहाँ पे ऐसा कोई नोटिस या गाइडलाइन या एक्नॉलेजमेंट डाल दे कि किस तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट होता है और उसमें साफ साफ लिख दे कि हमारे कंपनी या हमारा फर्म जीरो टॉलरेंस रखता है सेक्सुअल हरासमेंट को, एंड उसके खिलाफ डूज एंड डोंट्स रख दे कि क्या सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होता है और क्या नहीं होता है, उससे कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें एज अ नोटिस एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है आपके वर्क प्लेस में लगाने के लिए। और फिर उसके साथ उसे ये भी मेंशन करना चाहिए कि क्या प्रोफेशनल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, क्या पनिशमेंट फेस कर सकता है वो इंसान जो ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट किसी औरत के साथ ट्राई करेगा। और ऐसे ही नहीं कि वो सिर्फ वो नोटिस पुट कर दे, वो एक्ट एंड उसे एक्चुअली उस गाइडलाइंस पे, उन नोटिसेस पे एक्ट करना चाहिए जब ऐसा कोई टाइम आ जाए। ही शुड एक्चुअली एक्ट ऑन दोज नोटिसेस एंड गाइडलाइंस व्हेन द टाइम कम्स। मतलब समझ लीजिए उसने नोटिस पुट अप कर दिया और फिर कभी किसी औरत के साथ बदसलूकी हुई या सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसने कंप्लेन किया और एम्प्लॉयर ने या डायरेक्टर ने कुछ एक्शन नहीं लिया, तो ऐसा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। अगर उसने कोई नोटिस पुट की है तो वो एक लीगल नोटिफिकेशन का हिस्सा बन जाता है, बाद में एज एन एविडेंस रिकॉर्ड कोर्ट में काम भी आ सकता है कि उस एम्प्लॉयर ने ये सारी चीज़ें मेंशन की थी, बट ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन औरतों को मिल नहीं रहा है। ये भी औरतें पॉइंट उठा सकती हैं जब ऐसी किसी कोर्ट में या केस में ऐसा बात आ जाए। तो ये हमने समझ लिया कि एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए। वॉट कैन बी डन अगेंस्ट सच वर्क प्लेस हरासमेंट एंड वॉट आर योर राइट्स एज अ वुमेन व्हेन सच हरासमेंट टेक्स प्लेस? ऐसे हरासमेंट के खिलाफ क्या कर सकते हैं और एज अ वुमेन, एज ए औरत आपके क्या हक बनते हैं इन हरासमेंट्स के खिलाफ, क्या आपके हक हैं, वो मैं भी बता देता हूँ उस पॉइंट में। एवरी वर्क प्लेस विच हैज़ मोर देन 10 एम्प्लॉयज शुड हैव एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी दैट स्पेसिफिकली हैंडल्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड द कमिटी शुड इटसेल्फ बी हेडेड बाय अ वुमेन। तो लॉ क्या बोलता है, लॉ के हिसाब से सारे वर्क प्लेस, बिजनेस फर्म, कंपनी जो भी है, उनमें अगर 10 के ऊपर एम्प्लॉयज हैं तो एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी होती है जो स्पेशली सिर्फ सेक्शुअल हरासमेंट के केसेस को लेती है, कंप्लेंट्स को नोटिस करती है, और वो कमिटी एक वुमेन उसको उसकी हेड होती है, एक औरत ही उसकी हेड होती है, क्योंकि मेल्स को मोस्टली ऐसे ऐसे कमिटीज़ में हेड नहीं बनाया जाता है, क्या ताकि एक औरत का औरत से कनेक्शन ज़्यादा बेटर बैठे। और वो कमिटी आगे एक्शन लेती है, जो होता है एक नेशनल, एक लोकल लेवल पे एक कमिटी होती है, उनसे आपकी इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बात करती है। बट सच्चाई देखी जाए, एक्चुअली ऐसी कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जल्दी बनती नहीं है। कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी रहेगी, सपोज़ BPOs हो गए या प्रॉपर मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई जिनके फ्रेंचाइजी या ब्रांचेज यहाँ पे हैं, उनमें मोस्टली ऐसे इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी मिलेंगी आपको।
बट नॉर्मल किसी वर्क प्लेस में नहीं दिखती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों के बारे में जनरली लोगों को नहीं पता चलता है। बट ऐसा होना चाहिए, लीगली ये होना चाहिए, ये कमिटी लीगली बननी चाहिए। और अगर ना भी हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके खिलाफ़ आप औरत हैं, आपके खिलाफ गलत हुआ है, तो ऑलवेज आप राइटिंग में कंप्लेंट लिख के किसी भी स्टेट अथॉरिटी या पुलिस के पास जाके जनरली दे सकती हैं। और आजकल पुलिस भी इन मैटर्स को बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल करती है, ऐसे नॉर्मली नहीं लेती है, तो आप उसकी टेंशन ना लें। द वुमेन, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। द वुमेन कैन कंप्लेन टू सच कमिटी इन राइटिंग और टू द डायरेक्टर इन डिटेल अबाउट द इंसिडेंट। इफ बोथ फेल टू टेक एनी एक्शन, शी कैन अप्रोच द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड इन्फॉर्म एनी कॉन्स्टेबल अबाउट सच इंसिडेंट एंड अबाउट द इग्नोरेंस ऑफ हर एम्प्लॉयर आफ्टर सच कंप्लेन। तो ये कोई भी औरत, जैसे उसने उसको किसी सेक्शुअल हरासमेंट के जरिए उसको प्रॉब्लम हुई है, उसने ऐसा कोई सेक्शुअल हरासमेंट फेस किया है, तो वो औरत ऐसी कमेटी के पास, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास राइटिंग में जाकर या उसके एम्प्लॉयर या डायरेक्टर को जाकर दे सकती है कि उसके साथ ऐसी बदसलूकी हुई है, ऐसी हरकत हुई है, और वो उस डायरेक्टर को दे सकती है। उनको उसके खिलाफ़ फिर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं उसके खिलाफ, तो वो औरत अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके किसी भी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को आके अपनी सारी इंसिडेंट देकर, वो राइटिंग लेटर देकर एक चाहिए तो FIR फाइल कर सकती है या कंप्लेंट दे सकती है, और उसमें ये भी वो दिखा सकती है या लिख सकती है, उसे उसे बता सकती है कि मेरे डायरेक्टर ने या किसी भी ऐसी कंप्लेंट्स कमेटी जो हमारे यहाँ बनी थी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उसके खिलाफ़ भी एक्शन लिया जाता है। बाद में कोर्ट में वो कंप्लेंट्स कमेटी भी घसीटी जाती है, वो डायरेक्टर भी घसीटा जाता है। हर चीज़ के लिए लॉज है, तो वहाँ पे उस औरत को डरने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली क्यों कंप्लेंट्स नहीं होते, क्योंकि बहुत जगहों पे औरतें कहीं, अगर जैसे वो नीडी फैमिली से हैं या उनकी फैमिली को नीड है या वो अपने फैमिली की हेड होती हैं, फाइनेंशियली हेड होती हैं, तो कभी कभी वो ये सोचती हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी तो बहुत सारे तामझाम आ जाएंगे, बहुत सारे भाग दौड़ आ जाएंगे, तो इग्नोर करना बेटर है। बट मेरे हिसाब से इग्नोर नहीं करना चाहिए, आगे जाके कोई बड़ा स्टेप ले सकता है। तो मैं तो सिर्फ एडवाइस करने के लिए हूँ यहाँ पे, बाकी वीडियो देखकर आपको खुद नॉलेज आ जाएगी। सो और शी कैन आस्क फॉर द ट्रांसफ़र और सस्पेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉई और द ट्रांसफ़र ऑफ हर सेल्फ। और वो क्या कर सकती है कि वो उस एम्प्लॉई की ट्रांसफ़र या सस्पेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है कि ऐसे इंसान ने अगर उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया है तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। और डायरेक्टर का डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि उस औरत की इस रिक्वेस्ट को मानी जाए, क्योंकि फिर सेक्सुअल हरासमेंट आगे जाके फिर हो सकती है, तो उसे अवॉइड करने के लिए बेटर है डायरेक्टर उस एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र या सस्पेंड कर दे, या उस औरत को अपने किसी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दे अगर पॉसिबल हो तो। What women should do to stop such harassment at the very initial stage? एकदम पहले beginning stage पे औरतें क्या कर सकती हैं, लड़कियाँ क्या कर सकती हैं ऐसे sexual harassment को रोकने के लिए एकदम beginning stage पे। She should not let any employee or the director seem that she is of an easy virtue or easy to influence sexually। एक औरत को किसी भी director, किसी भी employee जो काम करता है वहाँ पे, उसे ये feel नहीं होने देना चाहिए कि वो इजीली इन्फ्लुएंस हो सकती है, कि हाँ भाई तुम मुझसे कोई भी तरीके की बात कर लो और मैं उसे बेयर कर लूँगी। नहीं, अगर वो कहीं गलत तरीके की बात करे तो स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही आप स्ट्रिक्ट हो जाएं, उसे मना कर दे, साफ साफ स्पेसिफाई कर दे कि मेरे साथ ऐसी बातें नहीं करनी और मेरे साथ ऐसे बिहेवियर नहीं करना, ताकि वो एक डर का समा पहले से ही सामना लेके अंदर बन जाए कि ये औरत को मैं हल्के में ले रहा हूँ, ये गलत बात है, और वो आपसे आगे जाके बदतमीजी ना करे। तो पहले ही आपको एटलीस्ट फ्रेंडली इज़ ओके, फ्रेंडली कमेंट्स ठीक है, हंसी मजाक सब ठीक है, बट जहाँ सेक्सुअली थोड़ा होने लग जाए आपके ऊपर, प्लीज़ उसे पहले ही आप मना कर दीजिए, पहले ही अपनी स्ट्रिक्टनेस दिखा के उस चीज़ को वहीं रोक दीजिए। शी शुड नॉट अप्रूव फॉर एनी क्लोज रूम चैट्स और वन टू वन चैट्स विद एनी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर एट इनअप्रोप्रिएट टाइमिंग्स। उसे किसी भी एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर के साथ बंद कमरे में बात करने के लिए मंजूरी नहीं देनी चाहिए, हामी नहीं भरनी चाहिए, अगर और ना ही वन टू वन चैट्स में अकेले किसी एम्प्लॉय से किसी गलत टाइम पे, इनअप्रोप्रिएट जो टाइमिंग बिजनेस के अलावा होता है, बिजनेस के अलग जो टाइमिंग होता है, वैसे किसी टाइम पे उसे बात करने के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए।
क्योंकि अगर किसी को आपसे कोई भी बात करनी है तो आपसे पब्लिक में जनरली बात करेगा। अगर आपने गलत पुअर परफॉर्म किया है तो आपको केबिन में बुलाकर आपको बता सकता है, वो भी दिन दहाड़े जब आपके सारे इम्प्लॉयज प्रेजेंट हो। अगर आपको वो बोलता है कि प्लीज़ मीट मी इन माई रूम, मुझे मेरे केबिन में शाम को मिलनी है या रात में मिली है या ऐसे किसी टाइम पर मिली जब कोई ना हो, या आपको कहीं कॉर्नर कर ले, कहीं आप चल रहे हो और आपको दीवार के सपोर्ट पे कॉर्नर करके आपसे बात करना स्टार्ट करे, आपकी गलती आपको बताए, तो वो गलत है। उसे बोलिए कि प्लीज़ अपने हद में रहिए, और उसे अगर आप सिंपल सी यही बोल दीजिए कि ये सारी बातें आप मुझको ओपन में भी बोल सकते हो, आप ओपन में ही बोलिए, ऐसी ऐसी जगहों की ऐसी मीटिंग्स के लिए प्लीज़ हामी ना भरें, क्योंकि डेफिनेटली अगर उसके माइंड में कुछ गलत है तो वो आपको अकेले ही पाकर कुछ करना चाहेगा, और नॉर्मली पब्लिक में उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, किसी की भी, कोई भी इंप्लॉय हो या डायरेक्टर हो। और शी शुड वॉर्न द एम्प्लॉई, जस्ट अ मिनट, हाँ, शी शुड वॉर्न द एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर ऑफ द रॉन्ग एक्ट ही इज कमिटिंग एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ही कैन फेस इफ शी डिसाइड्स टू कंप्लेन अबाउट दिस रॉन्ग एक्ट्स। दैट कुड बी बट नॉट लिमिटेड टू आस्किंग फॉर सेक्शुअल फेवर्स, पासिंग सेक्शुअल कमेंट्स और ट्राइंग और कॉम्प्लीमेंट्स, ट्राइंग टू शो हर पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ट्राइंग टू टच हर इन प्राइवेट और इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस। एक औरत के साथ अगर गलत हो रहा है या उसे ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाले इंसान ने उसके साथ गलत हरकतें करना स्टार्ट कर दिया है या गलत तरीके से बात करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसे वहीं पे उस एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर को रोक कर उसे बताना चाहिए कि वो क्या गलत काम कर रहा है, वो क्या गलती कर रहा है, और उसकी इस गलती पर अगर वो कंप्लेन कर दे औरत तो उसके साथ क्या बुरा हो सकता है, वो साफ साफ उसे बोल देना चाहिए। क्योंकि अगर वो खुलकर आपके साथ कुछ गलत काम करे तो आप भी उसे खुलकर धमकी दे सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप उसको धमकी भी नहीं दे रहे हैं, एक तरफ से नोटिस दे रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ ऐसी कोई बदसलूकी कर रहे हो, क्योंकि ऐसा मुझे फील हो रहा है, आप उसे ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, और फिर उसका क्या होगा या कौन सी अथॉरिटी से उसका डीलिंग होगा वो उसे आप बता सकते हैं। अगर वो आपसे सेक्सुअल फेवर्स मांगे या कोई सेक्सुअल कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स पास करे या आपको पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने की कोशिश करे, जो भी सेक्सुअल हरासमेंट में चीज़ें आती हैं या जो भी आपकी बेइज्जती के तरफ जो भी कदम उठते हैं, शी शुड परफॉर्म एनी सेक्सुअल एक्ट फॉर एनी, सॉरी यहाँ पे होगा शी शुड, आई फॉरगॉट टू राइट दिस, शी शुड नॉट परफॉर्म एनी सेक्शुअल एक्ट फॉर एनी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर इफ ही थ्रेटन्स हर टू सस्पेंड हर, हर्ट हर फिजिकली और टेक अवे हर मनी और वैल्यूएबल्स। उसे किसी भी इंसान के लिए सेक्शुअल एक्ट्स नहीं परफॉर्म करने चाहिए। अगर कोई उसे एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई कोई बोलता है कि उसे धमकी देता है कि वो उसे सस्पेंड कर देगा या उसे फिजिकली हर्ट करेगा, उसे मारेगा पीटेगा ऐसा कुछ करेगा, या उसका पैसा या कुछ वैल्यू की चीज़ ले जाएगा उससे, इस धमकी पर उस औरत को उसके सेक्सुअल फेवर्स या सेक्सुअली एक्ट नहीं करना चाहिए उसके साथ, उसकी मन्नतें पूरी नहीं करनी चाहिए इस डर से कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप बराबर अलार्म रेस कर देती हैं उस इंसान के खिलाफ, बराबर कंप्लेन कर देती हैं, तो वो इंसान जो भी कर रहा है उसके लिए वो खुद ही भुगतेगा, वो सारी चीज़ें उस पर एक टाइम पे अथॉरिटीज़ के ज़रिए उसे झेलनी पड़ेंगी। तो आप किसी भी चीज़ के डर से किसी को अपने अपना सेक्सुअल फ़ायदा ना उठाने दें। फिर आगे बढ़ते हैं। शी शुड रिकॉर्ड एनी सच कॉन्वर्सेशन वेन एवर शी कैन इफ सच कॉन्वर्सेशन आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स हर ऑन और हर कलीग एंड प्रेजेंट इट टू द इंटरनल कंप्लेन कमिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पुलिस। उसे अगर ऐसा लग रहा है कि किसी औरत को कि उसके साथ कोई सेक्सुअल बदसलूकी हो रही है या सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो टाइम रहते हुए उसे उसे उस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अगर उसके पास कोई ऐसा जरिया है, फ़ोन है, ऐसा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए है, तो बेटर है कि वो उसे रिकॉर्ड कर ले, और उस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने के बाद वो एज अ प्रूफ अपने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को दे सकती है, डायरेक्टर को दे सकती है या पुलिस को दे सकती है ज़रूरत पड़ने पे। इससे क्या होगा कि आपका केस मजबूत रहेगा और कल को कोई भी ये नहीं पूछ सकता कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था इस औरत के साथ। आप साफ साफ दिखा सकती हैं कि देखिए आपकी ही आवाज़ है या वीडियो रिकॉर्डिंग है तो ये आप ही हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, तो इससे आपका खुद का केस मजबूत हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ें हैं और जो एक औरत स्टेप्स ले सकती है, क्योंकि जनरली कैसा होता है कि बहुत जगहों पर औरतों के साथ गलत होते हैं, भले से वो छोटे लेवल के ही क्यों ना हो, बट उनके साथ बहुत जगह गलत होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होती है। बस एक औरत चुप होकर उसे इग्नोर कर देती है ये सोच के कि अगर मैं आगे कोई स्टेप लूँगी तो इसका ही करियर बर्बाद होगा, इसकी ही लाइफ बर्बाद होगी। बट मेरी यही रिक्वेस्ट है
लेडी से कि अगर आपके साथ सच में ऐसा कोई छोटा बड़ा चुन्नू चिंदी कुछ भी हरासमेंट का आपके साथ ऐसा कुछ भी ये हो रहा है एक्ट, तो उसे प्लीज़ इग्नोर ना करें। और अगर इग्नोर कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका एक एविडेंस ले लें, सच रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी ऐसा रख लें, ताकि कल को आपकी गवाह या आपकी जबान दबा ना दी जाए, और आपका डायरेक्टर ना सुने या आपका एम्प्लॉय ना सुने या एम्प्लॉयर ना सुने, तो आप उसे पुलिस तक ले जाएं, आप उसे कोर्ट तक ले जाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो एटलीस्ट जो बुरे लोग काम के टाइम पे औरतों को छेड़ते हैं या उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके अंदर एक डर रहेगा कि इन्हें इनके हक पता है, और हम सबको अपने राइट्स पता होने चाहिए। कि हमारे अगर राइट्स नहीं हैं, अगर हमको हमारा लॉ नहीं पता, तो हम जी नहीं सकते, शांति से चैन से नहीं जी पाएंगे। ये रियलिटी है, लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और यही मेरा एक गोल रहता है मेरे वीडियोस में, कि मैं कोई भी चीज़ अगर आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसका प्रॉपर फैक्ट्स मैं आपको दूँ, 100% रिसर्च फैक्ट्स दूँ, और मैं वही चीज़ें बोलूँगा जो मैंने एक्चुअली पढ़े हैं और बहुत इन डेप्थ पढ़ा है। ये टॉपिक भी मैं इन डेप्थ ही पढ़ता हूँ, क्योंकि ये मेरे स्टडीज़ का एक पार्ट है, तो मुझे लगा इस पर वीडियोस बनाने चाहिए। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या कोई भी सुधार मुझे करनी चाहिए अपने वीडियोस में, तो प्लीज़ उसे कमेंट्स में लिखने से हिचकिचाइएगा मत। आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर योर कमेंट्स, और मुझे मौका मिलेगा अपने आप को सुधारने का। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ लौटूंगा, ज़रूरी नहीं है कि लीगल ही टॉपिक पे हो, जो भी मेरे लाइफ में मेरे मेरी एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं काम को लेकर और स्टडीज़ को लेकर, बहुत सारे मटेरियल स्टडी किए हैं, तो जो जो फैक्ट्स मेरे माइंड में आते हैं, जो जो मैंने स्टडी किए हैं, जो जो फैक्ट्स मेरे पास इकट्ठा हैं, मैं उनके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, लॉ से रिलेटेड हो सकते हैं, कभी कभी वो कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो मैं बस इतना बोलूँगा, मैं जो भी वीडियोस लाऊंगा आपके सामने वो रिसर्च रहेंगे, और चाहे तो आप भी उसे रिसर्च कर दे जहाँ जहाँ हो सके। मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा, एक लिंक भी दूंगा जहाँ जहाँ हो सके, ताकि आप उसे एक्चुअली पढ़ सकें। सो आज के लिए यही है, और बाकी मैं आपको गुड डे बोलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोट्यूबर। बाय बाय।